प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों, देखिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपका क्या है। चार सही एक बटा दो प्लस पाँच सही एक बटा दो प्लस छः सही एक बटा दो को सरल करो या हल करो। अब आप ध्यान दें अपने आंसर या सलूशन में, फर्स्ट वाला क्या है आपका छः है, सेकंड वाला क्या है आपका सात है, थर्ड वाला क्या है आपका जीरो है, फोर्थ वाला क्या है आपका 16.5 है। अब आप देखिए इसके कई मेथड हैं, हम आपको करीब कम से कम तीन मेथड तो बता ही देंगे। देखिए क्या है, चार सही एक बटा दो प्लस पाँच सही एक बटा दो प्लस छः सही एक बटा दो। देखिए बहुत शॉर्ट और आसान तरीका है, आप आराम से एक सेकंड में समझ जाएंगे। चार पाँच नौ, नौ और छः, नौ छः आपके 15 होते हैं, या कह जैसे या इधर से जोड़ लिया आप, छः पाँच 11, 11 और चार 15, ये हो गए आपके। फिर आपको ऐड करना है 1/2, मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1/2। ज़रा ध्यान दें, ये और ये आप जोड़ लेंगे, बाकी जो सही में इसका 1/2 रखा है इनको आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब ज़रा आप ध्यान दें, आधा आधा एक और फिर आधा कितना जाएगा आपका 3/2। देखिए आप आधा आधा फिर आधा है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3/2। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे या सॉरी जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 16.5। तो ये आपका शॉर्ट और बहुत आसान टिप्स है, आप आराम से एग्जाम टाइम में कम टाइम में कर लेंगे। आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। एक लेंथी मेथड और है, वो भी हम आपको बता देना है। चार सही 1/2 प्लस पाँच सही 1/2 प्लस छः सही 1/2, छः सही 1/2। अब आप देखिए चार दूनी आठ और एक नौ, 9/2 प्लस पाँच दूनी 10 और एक 11, 11/2 प्लस छः दूनी 12, 12 और एक 13, 13/2। अब आप देखिए आप 9 का आधा क्या होता है, 4.5 होता है, भाग कर लें तब भी वही बात रहेगी। 11 का आधा क्या होता है, 5.5, भाग कर लें तब भी वही बात रहेगी। 13 का आधा क्या होता है, 6.5। इसको आप जोड़ लें, 5 जोड़ेंगे तो 5 × 5 = 15 के 5 हो जाएंगे, एक हासिल लगेगा आपका 6 और एक हासिल का यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 × 6 = 12, 12 और 4 आपके 16 हो जाएंगे, तो 16.5। ये भी तरीका आपका लॉन्ग में रहेगा, क्योंकि इसमें आपको गुणा उणा करना है, एलसीएम लेना है, इसलिए आपको ये वाला सही नहीं रहेगा। एक मेथड और है, वो भी आप देख लें। चार सही 1/2 प्लस पाँच सही 1/2 प्लस छः सही 1/2, चार दूनी आठ, ये आपका हो जाएगा 9/2 प्लस पाँच दूनी 10 और एक 11, 11/2 प्लस छः दूनी 12, 12 और एक 13, 13/2। इसका आप एलसीएम लेंगे क्या जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ऊपर आप जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ज़रा देखिए 11 और आपके 9 कितने होगा, 20 और 13 कितने होगा, 33/2। इसका आधा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 16.5। तो तीनों से आंसर आपका आएगा, ऐसी बात नहीं है, तीनों से आपका आंसर आएगा, लेकिन सबसे बेस्ट और आसान आपको ये वाला रहेगा, सबसे बेस्ट और आसान आपको ये वाला रहेगा। आप इस वाले का यूज़ करें और करें, आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट प्राप्त होता रहे।